नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, किसकी बनेगी सरकार। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। बेहद अहम है, जहां लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस या निर्दलीय हो या दूसरी आम पार्टियां, सभी मेहनत कर रही थी, वोटिंग यहां पर हुई, जनता ने तो फैसला कर दिया, लेकिन मैं 16 घंटे से भी कम वक्त है जब यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में। वैसे तो 5 राज्यों में के अहम परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन सबसे अहम इनमें अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान है। और ऐसे में राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, तमाम सवाल लेंगे। हमारे साथ वो बड़ी टीम मौजूद है यहाँ पर जो हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाती रही, यानी फर्स्ट इंडिया के धुरंधर रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारे साथ इस बीच इस कार्यक्रम में सबसे खास मेहमान मौजूद है, उनसे हम रूबरू आपको कराएं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी। सीपी जी, बहुत स्वागत है आपका। एक अहम सवाल, क्योंकि ऐश्वर्य साथ में बैठे और ऐश्वर्य के पास तो सवालों की झड़ी होगी, लेकिन एक अहम सवाल, कमान आपको सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और लगातार जिस तरह से बीजेपी ने मेहनत की विपक्ष में रहते हुए सत्ता में वापसी को लेकर, और प्लस पॉइंट ये कह सकते हैं कि जनता साथ कितना दिया होगा वो तो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल 9 में से 7 है जो ये कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप कितने आश्वस्त हैं इन एग्जिट पोल के साथ, परिणामों को लेकर वो कौन सा आंकड़ा है जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मानते हैं कि आएगा जरूर बीजेपी के राजस्थान में? देखिए, जनता के जो स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिला है, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है, उस बूते उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 135 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। जो लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति दिखा है, आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास जताया है, चूंकि मैं मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना घर परिवार छोड़कर पार्टी को विजय से दिलाने के लिए रात दिन मेहनत की है, चूंकि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टीम राजस्थान के मेहनत के बलबूते कह सकता हूं कि कई कार्यकर्ताओं ने कई दिन अपने घर परिवार छोड़कर, घर नहीं गए लेकिन कमल को खिलाने के लिए रात दिन मेहनत की। उस आधार पर कह सकता हूं कि अब की बार भाजपा सरकार, भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया। एक सवाल मेरा भी सीपी साहब, आपकी बहुत व्यस्तता है और 2 मिनट निकाल के यहाँ है, बड़ी बात है। एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं, और एग्जिट पोल सुनने के बाद कई लोग टेंशन में। देखिए, कल इस समय तक सारे सिनेरियो साफ हो जाएगा, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि एग्जिट पोल पिछली बार भी क्या दिखाया था, इन्होंने 140 कांग्रेस की दिखाई थी, आई कितनी, 100 के अंदर। तो यही इस बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी 135 प्लस करेगी। तो सीपी जोशी साहब ने खास बातचीत की है, और एक सवाल मैं चाहूंगा कि सामान्य सवाल, योगेश शर्मा है वो भी, उनके दिमाग में भी था एक छोटा सा सामान्य सा सवाल। सवाल सबसे बड़ा यही है, एक बहुत सामान्य राजनीति से शुरुआत आपने की, जिलाध्यक्ष, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इतनी कम आयु में आपको मिल जाए, और वो भी ऐसे वक्त जब इतने बड़े बड़े लीडर्स बीजेपी के मौजूद, उनके बीच में आपको एक चुनावी टास्क सौंपा जाए। ये चुनाव राजस्थान में एक अलग और विलक्षण चुनाव था, और बिल्कुल हम वहाँ बैठे हैं विधानसभा के बिल्कुल नज़दीक, यहाँ 5 साल बीजेपी विपक्ष में रही है। सीपी जोशी खुद का आकलन किस तरह से करते हैं इस पूरे इलेक्शन के अंदर, एक नए अध्यक्ष के तौर पर, और एक ऐसे अध्यक्ष के तौर पर जिसने बीजेपी को एक रखने का भी प्रयास किया, और ख़ासतौर पर एक टेम्पो बनाने का प्रयास किया कि कैसे सत्ता तक पहुंचना है। देखिए, वेरी फर्स्ट डे हमने, मैं नहीं हम, इस भाव के साथ काम करना शुरू किया, और सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते हुए, उनके मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने एक टीम राजस्थान के रूप में काम करना शुरू किया। कभी अपने आप को आगे नहीं रखा, पीछे रहकर सभी लोगों के मार्गदर्शन में सब लोगों ने एक मुखी होकर काम किया, और उसी का परिणाम मैं देख रहा हूँ कि कल एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। आप तो दूसरी तैयारियों में लग गए हैं, लोकसभा की तैयारियों में, आज रेगुलर आपकी बैठकें शुरू हो गई वापस। निश्चित रूप से, जिस दिन पॉल हुआ उसके सेकंड डे हमारी एक मीटिंग थी, जो टीम इस काम में जुटी थी उनसे, उनके अनुभव बातचीत करने के बाद हम लोगों ने मिशन 2024 पर काम करना शुरू किया। और ये तो हम भी गारंटी देते, हालांकि सरकारें सब बहुत गारंटी दे रही है, लेकिन इस वक्त हम भी गारंटी कि पहला रुझान, पहला परिणाम फर्स्ट इंडिया ही आप तक पहुंचाएगा। लेकिन कल परिणाम से पहले
बहुत सारे सवाल भी जहन में लोगों के उठ रहे हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं, इससे पहले सबके अलग अलग आकलन है, अलग अलग चर्चाओं का दौर भी जारी रहा है। और सवाल हमारे रिपोर्टर्स से, हमारे मेहमानों से लेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे भी रूबरू कराते हैं। हमारे साथ पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, स्वागत है स्वर्णिम जी आपका। मदन प्रजापत जी भी शामिल हुए हमारे इस खास शो में, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही ए के जैन साहब भी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। लगातार चर्चाओं में सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हों या फिर कानूनी मुद्दे हों, अपने बात यहाँ पर रखते रहे हैं। शुरुआत स्वर्णिम जी आपसे ही करते हैं। देखिए, दावे तो बहुत किए गए, गारंटी की बात की गई, लगातार दौरे हुए, सभाएं हुई। सबसे अहम जो आधार बनाया आप लोगों ने वो ये कि जो योजनाएं और जो जनता को राहत दी है उसके साथ जनता जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल जब आना शुरू हुए तो कांग्रेस के लिए निराशा थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को भी टक्कर में बता रहे हैं कुछ एग्जिट पोल। ऐसे में कितनी संभावना, क्या 156 जो दावे किए जा रहे थे वो धराशायी होंगे या फिर वही परिणाम आएंगे जो आप लोग कह रहे हैं और एग्जिट पोल धराशायी होगा? देखिए, राजस्थान में एक बात स्पष्ट है, 5 साल तक जिस लोगों को जनता ने देखा काम करते हुए, वो जनता उनको वोट देने के लिए निकली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे राजस्थान में 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ, चाहे सदन हो, सरकार हो, या सड़क पर संघर्ष करते हुए हमारे आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए होंगे। 5 साल से सोई हुई भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि 1 महीने में मुद्दे बदल बदल के बार बार चुनाव में कोई मुद्दा तक नहीं ला पाई है, एक स्थायी मुद्दा जिस पर चुनाव लड़े, नहीं था। आप बताइए, चुनाव में मुद्दा इन्होंने पहले दिन दूसरा उठाया, फिर प्रधानमंत्री जी की अगली रैली में दूसरा मुद्दा उठाया, यहाँ तक आ गए कि हमारे जो पूर्व, हमारे जो पुराने नेता हैं, महान नेता हैं, उनका नाम लेकर के और भ्रम फैलाने का तक का प्रयास किया। ऐसी स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी की हो जाए तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। कोई ग्राउंड नहीं था खड़े होने के लिए उनके पास, जिस पर खड़े होकर के वो कह सकें कि अशोक गहलोत सरकार की किसी योजना को उठा करके कह सकें कि ये गलत योजना है। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबको जवाब देना चाहिए। जब आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो महंगाई तो आपने बढ़ाई, और वैट की बात करते हैं तो फिर क्या आपके कभी शासन में हरियाणा से कम यहाँ पे पेट्रोल सस्ता रहा है? ऐसा कोई सन हो, कोई तारीख हो वो बता दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रम फैलाना चाहती थी और वो भ्रम फैला नहीं पाई, क्योंकि जनता राजस्थान की, राजस्थान को जो मिला, राजस्थान की जनता को जो मिला। आप जो सवाल बीजेपी पर उठा, उसका जवाब मदन जी से लो, उससे पहले उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, क्या 156 पर कायम है या फिर लग रहा है कि सरकार बनाएंगे हम जरूर लेकिन वही जादुई आंकड़े के आसपास? देखिए, हम तो 156 पर कायम हैं। अब जनता का जो हमें मिलेगा आशीर्वाद वो कल पता पड़ जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता प्रतिपक्ष रहे, 150 पे वो कह रहे थे कि कम आई तो सदन में नहीं आएंगे, क्या वो उस पर कायम है? इसका जवाब भी ले लीजिए। श्वेता, आप उनसे पूछ रहे हैं, स्वर्णिम जी से, इससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। स्वर्णिम जी कह रहे हैं मुद्दे की बात कर रहे थे कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, ना वो मुद्दा बना पाए। मुद्दा आपका बहुत बड़ा था, ERCP, जिसको पूर्वी राजस्थान को लेकर 13 जिले और 82 सीटें यहाँ से प्रभावित हो रही है। आप भी उस मुद्दे को कितना भुना पाए, क्योंकि लौटना अंततः चुनाव में फिर वही जातिवाद, वही वर्गवाद, वही क्षेत्रवाद की तरफ पड़ा, तो क्या ERCP उतना प्रभावी तरह से आप उसको मुद्दे को तौर पर रख पाए जनता के बीच में? देखिए, बिल्कुल हमने सारे मुद्दे रखे, ERCP को लेकर के हमने संघर्ष किया, हमने काम किया। पहली चीज, जो काम हमने किया वो काम लेकर के हम जनता के बीच गए, जो हमारी विभिन्न स्तर पर सभाएं हुई। आपको ध्यान होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, 12 में सभा हुई थी, और ये सारी सभाएं करके ये मुद्दा उठाने के लिए थी। लेकिन जो काम किया वो भी जनता तक पहुंचाना था, तो सारे मुद्दे हम लेकर के जनता के बीच गए। बस एक बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी एक मुद्दे पर जवाब दे पाई? मुद्दा था, और ERCP का मुद्दा कांग्रेस का ही मुद्दा था। लेकिन मदन जी, ERCP को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा बनाया चुनाव में भी रहा कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस तो पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन बीजेपी साथ नहीं आया। लेकिन अगर इसी ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, 13 जिलों की बात करें जिनको फायदा ERCP से मिलता, क्या चुनाव परिणाम में बीजेपी को वो कह सकते फल मिल पाएगा मेहनत का जो उम्मीद वो कर रही है इन जिलों से, खासतौर से इस मुद्दे से? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ आपको, ERCP पे जो पूर्वी राजस्थान से ये अपने लिए संजीवनी तलाश रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, उस संजीवनी का जवाब कल आपको 10 बजे 11 बजे के माध्यम से मिल जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से जनता को। ERCP लेके ये गए थे, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो स्थिति इनकी होने वाली है वो कभी नहीं हुई, वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरा, स्वर्णिम जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार है, मैं तो जानता हूं कि सरल व्यक्ति है, आज उनके पास भी कहने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, चुनाव में नहीं था। जैसे कहने के लिए कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं थे राजस्थान,
मुद्दे तो सचिन पायलट ने ही बताया था, अजमेर से लेकर जयपुर तक की यात्रा की थी। तो मुद्दों की बात अगर मैं करूं तो मुद्दे तो इस चुनाव में कम नहीं थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार 5 साल तक रहने के बाद ये नहीं बता पाई कि हमने 5 साल में ये कार्य किए। 5 साल का रोड मैप बता रहे हैं कि हम 5 साल में ये करेंगे। अरे भाई पहले ये बताओ कि 5 साल में हमने किया क्या है? कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति पूरे 5 साल तक कुर्सी की लालसा के अंदर कुर्सी पे बैठा रहा और दूसरा व्यक्ति 5 साल तक कुर्सी गिराने में लगा रहा, कुर्सी की खींचातान, मुझे दे दो मैं बैठूंगा, मुझे दे दो मैं बैठूंगा, ये करता रहा और राजस्थान की जनता भुगतती रही। राजस्थान की जनता ऐसे भुगती कि एक महिला का बलात्कार किया जाता है, उसके बाद में उसको निवस्त्र करके घुमाया जाता है। इस राजस्थान में एक बच्ची का बलात्कार किया जाता है, उसके टुकड़े करके भट्टी में डाल के जला दिया जाता है। इस राजस्थान में हमने यह भी देखा है कि एक महिला रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है और एसपी अस्मिता मांगती है। इस राजस्थान में युवाओं से वादा करके आए थे और यह हुआ कि 19 परीक्षाएं हुई और 19 के 19 पेपर लीक हो गए। और पेपर लीक में कौन शामिल था? पेपर लीक में सरकार के मंत्रियों के नाम भी आए। क्योंकि जैन साहब यहाँ पर हैं और उनका होना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो सब जानते हैं बहुत बखूबी। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगा कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, ऐसे में आपने चुनाव को किस रूप में देखा और किस रूप में आपने इसको भापा? क्योंकि ये तो तय है कि बीते कई सालों से चुनाव बिल्कुल डिफरेंट था, बीते 3 दशकों से भी अलग था, जहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री फेस नहीं था। तो उस लिहाज से भी इसको देखना चाहिए और उस लिहाज से भी देखना चाहिए कि मुद्दे कई रहे लेकिन आखिर तक आते आते बीजेपी में वो हिंदुत्व राष्ट्रवाद के ऊपर हावी हो गए और दूसरी तरफ कांग्रेस गारंटियों का गीत गाती रही। देखिए अगर फेस वाली बात छोड़ दें तो जो मुझे लगता है ये चुनाव 1993 के चुनाव की तरह का है। आपने 3 दशक पुरानी बात कही और बिल्कुल सही बात है, 1993 में जैसा चुनाव हुआ था ये चुनाव, क्योंकि उस जमाने में फेसेस थे, दोनों साइड के फेसेस थे, एक साइड से हरदेव जोशी थे, एक साइड से भैरव सिंह जी थे, पर चुनाव की जो जमीनी स्थिति है, चुनाव की जो बातें हैं वो लगभग, और चुनाव में जिस तरीके का विभाजन जनता के मध्य है, वोटर्स के मध्य है, ये बिल्कुल 1993 के चुनाव की तरह है। 1990 का जो चुनाव आप याद करिए तो वो मंडल का मंडल चुनाव था एक तरीके से, और एक तरफा जीत जनता दल और बीजेपी साथ साथ मिलकर लड़े थे। उसके बाद 3 साल बीच में सरकार भंग कर दी गई थी, तो भैरव सिंह जी का काम और कांग्रेस का विरोध का जो चुनाव हुआ था वो स्थिति इस चुनाव की है। आज की डेट में भी चाहे कुछ भी कह लें, मुद्दा, मुख्य मुद्दा जो जनता के लिए है, वोटर्स के मन में है, वो हिंदुत्व एक तरफ है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के काम है, अशोक गहलोत के चेहरे, इसके साथ साथ जो मिक्स है वो राजस्थान की जो आंतरिक राजनीति है, जातिवाद, सामंतवाद, कास्ट में बटे हुए, किसान, दलित, जो 1952 से ही होता आ रहा है। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे, ये हम आज देख रहे हैं पर 1952 से लेके आज तक 3 या 4 चुनाव छोड़ दें, जब कांग्रेस की हवा हुआ करती थी तब भी पहली बार कांग्रेस की थंबिंग मेजोरिटी, अच्छी मेजोरिटी 52 के बाद, 52 में नहीं आई, 57 में नहीं आई, 62 में नहीं आई, 67 में बाहर चले गए थे, जाते जाते बचे थे, 72 में जाके आई थी। तो राजस्थान का एक अपना चरित्र जो मुझे लगता है वो है, और उस चरित्र के हिसाब से इस बार चुनाव अशोक गहलोत का काम वर्षे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दोनों के मध्य है। बिल्कुल, और इसलिए एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं जैन साहब, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि एक तरफा तो कोई कह ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल के बाद पहले बीजेपी जरूर कही जाती है, लेकिन जो कांग्रेस टक्कर में आ रही है तो संशय की स्थिति, हालांकि मैं 16 घंटे और है, इसके बाद तस्वीर साफ होगी। ऋतुराज जी कुछ पूछना चाह रहे थे, सवाल ऋतुराज जी। मैं योगेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाह रहा हूँ, दोनों ही पार्टियों के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि है वो मौजूद है, कि जो कांग्रेस की 7 गारंटियां थी और आखिरी समय तक इसको लेकर आक्रामक प्रचार रहा, और यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग है उसको विज्ञापन में भी उसका संशोधन करना पड़ा, तो इसका असर दोनों ही पार्टियां क्या मानती हैं? और एक अलग प्रेक्षक के रूप में अगर जैन साहब से इसी बात को लेकर चर्चा करें तो वो इसको लेकर क्या मानते हैं कि इस बार का जो आक्रामक प्रचार सरकार की तरफ से भी रहा, कभी इस रूप में देखा नहीं गया कि कांग्रेस का इतना आक्रामक प्रचार रहा, और यहाँ तक कि उन्होंने परवाह भी नहीं की आयोग के नोटिसों की, तो इसको किस रूप में देखते हैं? ये है पूरी बात मैं जानना चाहता हूँ। मेरा जो मानना है कि प्रभाव 7 गारंटियों का इतना नहीं था,
प्रभाव जो आखिरी दो साल में योजनाएं आई थी, स्पेशली चिरंजीवी योजना और आपका जो पेंशन प्लस ओल्ड पेंशन स्कीम, एक बहुत बड़ा फैक्टर ओल्ड पेंशन स्कीम रहा, क्योंकि कर्मचारी मूलतः हमेशा से ज्यादातर कांग्रेस के विरुद्ध जाते रहे थे, पर पहली बार, और 2003 का चुनाव तो हरवाया ही कर्मचारियों ने था, परंतु इस बार ऐसा लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस का बहुत बड़ा शस्त्र था, गारंटियों से ज्यादा जो पहले उन्होंने तीन काम किए थे, चिरंजीवी ओल्ड पेंशन स्कीम नॉर्मल पेंशन चिरंजीवी प्लस जो पेंशन बढ़ाई थी और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था उन्होंने साथ में मोबाइल का, वो ज्यादा बड़े काम थे, गारंटी का इतना बड़ा असर नहीं था। सवाल उन दो सालों का योजनाओं का सामने जारी था और ओल्ड पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे एड्रेस दूसरे लोग नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन मदन जी इसी पर ही आपसे भी सवाल है, क्योंकि ऋतुराज जी आपसे भी जानना चाह रहे थे, ओपीएस स्कीम जो लेकर आए वहां पर कर्मचारियों को तो साथ लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसका बेनिफिट अगर कांग्रेस को है तो नुकसान तो बीजेपी के लिए। नहीं श्वेता, देखिए हम लोग किस साधने और अपने फायदे के लिए काम नहीं करते, हम तो जनता के फायदे के लिए काम करते हैं। हमारी तो नीतियां अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, गरीब को गणेश मान के कार्य किया जाता है। अब उसके अंदर जो भी आते हैं हम उनकी सबकी सेवा कर भाव से कार्य करते हैं। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि कांग्रेस की तो रीति और नीति रही है, वो कभी जाति के नाम पे वोट मांगती है, कभी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, कभी कर्मचारियों के नाम पे वोट मांगती है, कार्यों के नाम पे वोट नहीं मांगती। आप ये देखिए, ये वही कांग्रेस है। मदन जी काम किया, कर्मचारियों के लिए फैसला लिया, तभी तो कर्मचारी साथ आएंगे। बात करना और इम्प्लीमेंट करना तो अलग है, एक रिएक्शन पता चलेगा आपको। ठीक है, स्वप्निल जी एक रिएक्शन एक लाइन में, फिर ब्रेक पे जा रहे हैं। देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने तो काम के नाम पर वोट मांगे और काम के नाम पर महिलाओं से लेकर के समाज के सभी वर्ग, कर्मचारी हों चाहे छात्रों युवाओं, सबने हमें वोट दिया। अब ये किस जाति और किस धर्म की बात कर रहे हैं, चुनाव तो इन्होंने इस आधार पर लड़ा है और चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के यहाँ तक अपनी उपलब्धियां बताने की जगह केवल पोलराइजेशन की राजनीति करने पर इन्होंने फोकस रखा, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए चुनाव हारेंगे। जनता ने पहले नकारा और फिर नकारेगी। चलिए, फोकस किसका किस पर था और उस फोकस के तहत जो आप बात कर रहे हैं कि क्या उसी पर काम करने से फायदा मिला, क्या जनता के दिलों तक पहुंचे और जनता का जो मन था वो क्या वोटर वोट के जरिए तब्दील हुआ कि नहीं, चर्चा उस पर भी जारी रखेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी भी मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे।